हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मटर पराठा बहुत ही इजी वे से। चलिए बनाते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पर हमने फ्रेश मटर के दाने ले लिए हैं, इसको अच्छे से हमने धो लिया है। अब इन दानों को आज हम मिक्सी में नहीं पीसने वाले हैं, बिना मिक्सी में पीसे हम इसको बनाने वाले हैं। इसके लिए हमें इस तरह का चिली कटर जो होता है, चॉपर बोलते हैं हम इसको, चिली कटर नहीं एग्जैक्टली चॉपर बोलते हैं, इसमें आज हम इसको ग्रेट करेंगे। इसको अभी इस चॉपर में हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह का दानेदार अच्छा बारीक हो जाता है। मैंने आधे आधे करके मटर को किया है तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी, मैंने बिल्कुल बारीक बारीक हरी मिर्च काटा है, ये 2 है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है, अब हम ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे ये जो मटर हमने ग्रेट किया है इसको। आप चाहो तो 2 टेबलस्पून ऑयल भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। अब हमें इसे मिक्स करना है। यहाँ पर गैस हमारा मीडियम पे है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन का, यानी कि जो हमारे पास घर में नॉर्मल बेसन होता है वो हमें यूज़ करना है। इससे बाइंडिंग पराठे में बहुत अच्छा आता है। लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप, नमक स्वाद अनुसार। 1/2 टीस्पून हम काला नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे हमें 2 से 5 मिनट भूनना है, जब तक कि थोड़ा बेसन का कच्चापन ना निकल जाए और मटर भी थोड़ा सा भुन ना जाए। ये देखिए, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो गया है, पक गया है। बीच बीच में हमें इसे हिलाते रहना है, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर और फिर यहाँ पर इसको मिक्स करके हम गैस बंद कर, यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दिया है। इसको हम ठंडा करेंगे फिलिंग करने के लिए। अब एक नॉर्मल रोटी का आटा लेंगे हम, इसको नीचे हमने थोड़ा सा आटा डाला है, इसको हम थोड़ा सा बेल लेंगे इस तरह से। पूरा नहीं बेलना है हमें, थोड़ा छोटा पूरी के जैसे बेलना है। अब हम इस मसाले का फिलिंग करेंगे। मैंने पूरे अच्छे से मसाला लिए हैं, अब हम इसको अच्छे से चारों तरफ से फोल्ड करते हुए इस तरह से बंद कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर बेलेंगे, हल्के हाथों से बेलना है इस तरह से। देखिए, अगर आप हल्के हाथों से बेलोगे तो कभी भी मटर फटकर बाहर नहीं आएगा रोटी। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पराठा दिख रहा है। अब हम इसको सेकते हैं। ये देखिए, अब ये आप चाहो तो इसको घी में, बटर में, तेल में, जिसमें भी सेक सकते हो। आज हम घी में सेकने वाले हैं। इसको इस तरह से हम पलट देंगे एक तरफ, उसके बाद हम इसमें अच्छे से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद अब हम इसको पलट देना है और इस तरह से देखिए हल्के हाथों से हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और नीचे से भी आप इसको ध्यान रखें। और अब हम इसको ऊपर से भी इस तरह से घी लगा देंगे। बहुत ही आसान है मटर का पराठा बनाना। अब देखिए, इस तरह से हमें इसको चारों तरफ से दबाते हुए अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेकना है। अच्छे से चारों कोना दबाते हुए इसको सेकिए, तभी आपको ये बाजार जैसा टेस्ट आएगा। हमारा मटर का पराठा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी मटर का पराठा।
वाओ, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग आई है मटर की। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना अच्छा पराठा हमने बना लिया है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर से बना कर ट्राई करें, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।